वर्तमान समय बड़ सूचना मोदी सरकार प्रथम कैबिनेट बैठक बसी मोदी तृतीय पाड़ी प्रथम कैबिनेट बैठक आज वर्तमान बसी सूचना सामना को आसू तबे प्रधानमंत्री नेतृत्व में यह कैबिनेट बैठक बसी प्रथम कैबिनेट बैठक तृतीय पाड़ी मोदी सरकार प्रथम कैबिनेट बैठक बसी गत काली आम देखुले शपथ ग्रहण समारोह आयोजन आज तृतीय पाड़ी प्रथम कैबिनेट बैठक बसु बैठक अत्यंत गुरुत्व बहन करुँ प्रधानमंत्री नेतृत्व में यही कैबिनेट बैठक बसी सूचना सामना को आसू मोदी नेतृत्व में प्रथम कैबिनेट बैठक बसी आपखिपुट गोटे पटे राजनाथ सिंह बसी अमित शाह जेपी नड्डा निर्मला सीतारमण एपरी अनेक बड़ बड़ नेता देखा मिली और विशेष भाव में यह कैबिनेट बैठक अत्यंत गुरुत्व बहन करुच्ची मोदी सरकार ये हूँ प्रथम कैबिनेट बैठक गुरुत्वपूर्ण चर्चा आलोचना एटी करा विशेष भाव में जोबले तृतीय थर पर प्रधानमंत्री भाव में शपथ ग्रहण करिसंती नरेंद्र मोदी एवं ए ऐतिहासिक मुहूर्त को आम समस्ते का देखीछे विशेष भाव में गोटे कथा कह जाए एक रेकर्ड सृष्टि कर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जवाहरलाल नेहरू सपक्ष में तेरे गत काली आम देखी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 32 जन शपथ ग्रहण करते यार भितर 30 जन कैबिनेट पाया पाई एपर्तंत स्पष्ट चित्र सामना को आसी पारे ना क्या क्यों मंत्रिमंडल मिलू हुए तो आई समय मंत्रालय मिलूँ हुए तो आई समय भितर ये चित्र स्पष्ट हो पाए गुरुत्वपूर्ण मंत्रालय क्या क्यों विभाग मिलू समस्त नजर रही बेले किसी परिवर्तन करा जहाँ थी से कि फरक देखा मिली केवल समय ही कह गुरुत्वपूर्ण बैठक पर हुए तो चित्र स्पष्ट हो पाए आम सहित तो रवि दास वरिष्ठ सांबादिक जोड़ी होती सुयुक्त दास आपको स्वागत करुच्छे कनक न्यूज को मोदी सरकार तृतीय थर पर जो मोदी शपथ ग्रहण कर मोदी सरकार प्रथम कैबिनेट बैठक बसी आम जहाँ देखी गत काली 32 जन शपथ ग्रहण करते 30 जन कैबिनेट पाया पाई समस्ते उपस्थित अच्छा तेज किसी गुरुत्वपूर्ण सूचना सामना को आसी पारे कि क्या क्यों मंत्रालय मिल विभाग बंटन तो बर्तमान तो है विभाग बंटन प्रधानमंत्री करेंगे प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति देलापर नोटिफिकेशन हम विभाग बंटन है कितु कैबिनेट आज प्रथम बैठक बस प्रधानमंत्री गोटे कथा स्पष्ट कर दे आमको समस्त ही नहीं चल पड़ो या हूँ लक्ष्य आते कथा को सरकार विषय किपरी भाव में सरकार चलो से समस्त सांगे ना पड़ो से कथा एवं लोक जोड़ा पड़ो से कथा ओके तेज सुयुक्त दास आज आम देखी प्रधानमंत्री हवा पर पीएम किसान नीति फाइल मोदी प्रथम दस्तखत करोजना लग लागू करने निर्देश जारी करा तो अधिकांश चाषी उपकृत हे पाखापाखि 9.3 कोटी चाषी नहीं आसला प्रथम दस्खत कले पीएम किसान टा गोटे चलुआ प्रकल्प मान स्कीम चलुआ स्कीम वर्षक तीन थर दि जाए प्रति स्कीम टा को सी निजे दस्खत कला बंटा जीव आज करदे से स्कीम टा थर टा बंटा जीव प्रत वर्ष तीन थर होनिटा किस्ती में पैसा 6000 टका दि जाऊँगी ए सीधा सभा कृषक मैंने उपकृत होती निश्चित भाव आप जानते ओडिशा भी कल आसला ये गोटा तार जय स्तर से सारा भारत वर्ष चाषी मान दृष्टि रखी कराई ये गोटे प्राय 10 कोटी 9 कोटी 10 कोटी पाखापाखि चाषी की सीधा सड़क भाव में गोटे उपकार भाया होने कठिन समय ये कि भाव में ये कह इनपुट भाव में सहायक होने चाष छोट चाष कर गोटे इनपुट सहायता भाया गोटे होर्षके तीन थर जो दि जाऊँ ये गोटे प्रकार सहायता जो चाषी मैंने गोटे नुआर चाषी मैंने एक कथा नहीं प्रथम भी सन्तुष्ट है मुझे भाई बढ़ा जबार आवश्यक देखा चाषी मानक 6000 टंकाटा बर्तमान आर मिनिमम दु गुण करदेवार आवश्यकता देखा देना 6000-2000 टंका यहाँ गोटे जथेष हूनी चाषी मानी आतीय स्तर एम एस पी विषय जाऊना कहीं कृषक मानक यारा सीधा सड़क कृषक उपकृत होती
बड़ा भल बढ़िया जिनस आसिक प्रथम यहाँ दस्त कले द्वारा खुशी आज का समस्त चाषी मैंने पाइबे जो मान पीएम किसान आकाउंट अच्छी जो चाषी मानक से आकाउंट को चलो अर्थ चली गोटे गिफ्ट हो प्रधानमंत्री तृतीय तरह शपथ ग्रहण पर ये चाषी मानी गोटे उपहार भाया लोक अनुभव भावे सेबे युक्त दास पीएम किसान निधि फाइले मोदी प्रथम दस्तखत और पूरापूरी आक्शन मोड रे कार्य करने आरंभ कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेज किसी बार्ता सामना को आसुची कि निश्चित आसुची निर्वाचन गोटे कथा देखु ये मंत्रिमंडल जिते कथा ना हेले भी नरेंद्र मोदी कथा मत भल भाव जानती जे ये पूर्व मंत्रिमंडल भाई नुहे पूर्व मंत्रिमंडल निजर निज दल संख्यागरिष्ठता थिला से शक्ति हाथ में थिला एबे हाथ से शक्ति हाथ में ना ये शक्ति हाथ में ना किंतु एनडीए मेंटर है जो एनडीए मेंटर अन्य अंशीदार दल माने को सांगे नने हम अन्य अंशीदार दल को बहुत दाबी बेले उठ विभिन्न कथा बेले बेले उठ टे कथा से घरे गोटे विराग भाग आसी जाए कौन चलीज चली दृष्टि देवा पड़ो तेनालीर प्रथम अवस्था मंत्रिमंडल होगा काली बास्तर जन मंत्रिमंडल शपथ ग्रहण करते प्रत्येक पक्षटा को जो मैंने सरकार को जहां पर निर्भरशील करुच्ची बीजेपी तो अच्छी ता छड़ा जो जो छोट छोट दल तर दुई चालीस अच्छी संख्यागरिष्ठता जो संख्या दरकार दुई बयानबे जो सदस्य अच्छा प्रत्येक लोकटीर कथा बुझा पड़ो विशेष भाव टीडीपी जेडीयू है इविन सिंधे ग्रुप रिवसेना अच्छी सात जन अच्छा यही सब देखा जदि एम को सब कौन प्रकार सब समय से मानकर जो कथा जो प्रसंग जो विषय से चाहूंट कहवाई अवश्य आप जानते नीतीश कुमार संगे राज्य कथा भावे बिहार कथा भावे सेमती चंद्रबाबु नायडू हूं तो निज राज्यटा को गुरुत्व देवे ये कथा को मतलब दृष्टि देव पड़ो ना के कौन हम आप पारे तेबे श्रीयुक्त दास जो प्रथम कैबिनेट बैठक बसी बड़ बड़ निष्पत्ति निपे विशेष भाव में आम कह ग्रामीण आवास रहा उठिपे अनेक गुरुत्वपूर्ण प्रसंग आलोचना करा जाई पारे आज नहीं ग्रामीण आवास क्षेत्र से आगु घोषणा कर प्रधानमंत्री आवास योजना आउ तीन कोटी लोक मान घर दिजा मतलब आज गुरुत्व करेबे कहीदेवे जो अनुसार बजेट प्रस्ताव आसो आतीक लोक घर दिजाव प्रधानमंत्री आवास योजना आउ तीन कोटी लोक संप्रसारित हम ये सब जिन जहां सी चाहती विकसित भारत सी देखु यही निर्वाचन में आप लक्ष्य देते नरेंद्र मोदी के ग्यारंटी बहुत क्या कहते नुआ स्कीम कथा से निर्वाचन भितर किसी कहीना केवल विकसित भारत गोटे स्लोगान तेणु से ही ढांचार हम कार्य कितु ता भितर केवल पड़ू गोटे असुविधा मानते गोटे के आसमी कहली बिहार कथा आस आंध्र प्रदेश कथा आसव इम सपोर्टा इविन महाराष्ट्र कथा देखु महाराष्ट्र मत भी जो गोष्ठी मैंने समर्थन करुं जो सिंधे ग्रुप कहली अजित पवार गोष्ठी तो काली मंत्रिमंडल शपथ नहीं ना यो सब छोट छोट हेले भी एम कथा को कार्य को किसी मात्र शुणा पड़ा कथा न शुणिले हम ना यो पिस्थित नरेंद्र मोदी ये पिस्थित के आक्रम मानने चली ना से चलिया कितना पड़ो ये वाजपेयी नीति आभिमुख जहाँ से स्तर को बर्तमान नरेंद्र मोदी की फेरवाक पड़ो यदि फेरवे एनडीए सरकार चलने किसी असुविधा हेनी श्रीयुक्त दास गोटे कथा स्पष्ट भाव में कही पार कि एजेंडा वर्तमान समय प्रस्तुत हो सारी आक्शन मोड को आसी सारी सरकार ये गोटे बार्ता कि सरकार आक्शन चाहिए कारण प्रथम शहे दिन कौन कार्य करेंगे आगे निष्पत्ति हम फास्ट 100 डेज कौन कौन कर बड़ कथा पार्लियामेंट बस राष्ट्रपति भाषण आसो राष्ट्रपति भाषण में सरकार आभिमुख आहरी स्पष्ट हो राष्ट्रपति जो भाषण देवे 21 तारीख में पार्लियामेंट अधिवेशन प्रथम अधिवेशन विश्व राष्ट्रपति संबोधित करेंगे से सरकार आभिमुख्य पूरा परिष्कार छड़ा पुणी फुल प्रेजेंट बजेट पार्लियामेंट चली फुल प्रेजेंट संपूर्णकालीन बजेट जो आसो आहरी स्पष्ट हम
ତାରି ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ଗୁଡାକ ଅଛି, ଯେମିତି ବିହାର ସମସ୍ୟା ଅଛି କି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ସେସବୁ ରାଜ୍ୟ ବେଶୀ ଷ୍ଟେଟ ବେସିସ୍ରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ଅଛି ପେସା ଷ୍ଟାଟସ୍ କରାଯାଉ, ଏଇ ସୁବିଧା ଦିଆଯାଉ, ଏଇ କଥା ହଉ, ଏଇ ଯୋଉ କରା ଅଛି ସେଗୁଡାକୁ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ନଜର ଦେବେ ଏବଂ ସେ ଅନୁସାରେ ଆକ୍ସନ୍ ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ଅଛି। ବିଜେପି ବା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତାଙ୍କ ଆକ୍ସନ୍ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆକ୍ସନ୍ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ ସହଯୋଗୀ ଦଳ ମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ପଡିବ, ନହେଲେ ଅସୁବିଧା ହବ। ଏବଂ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହଉଛି, ଏଇ ଏନ୍ଡିଏ ସରକାରର କୌଣସି କମନ୍ ମିନିମମ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ନାହିଁ, ମନେ ରଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଏଇଟା, ଏ ଏନ୍ଡିଏ ସରକାରର କମନ୍ ମିନିମମ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କିଛି ନାହିଁ। ତାର ମୁତାବକ ଭାବରେ ବିଜେପି ଯୋଉ ସ୍ଥିରୀକୃତ କରିଛି ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସେଇଥିରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେବାକୁ ପଡିବ, କିନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ ଯୋଉ ଭିନ୍ନତା ଆସିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କିପରି ଭାବରେ ଆକୋମୋଡେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ ତାର ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡିବ। ନିହାତି ଭାବେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ, ଯେମିତିକି ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ପ୍ରଥମ କ୍ୟାବିନେଟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏଠି ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ଆମ ସହିତ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରବି ଦାସ ଯୋଡ଼ି ରହିଥିଲେ। ଏବଂ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଥମ କ୍ୟାବିନେଟ ବସିଛି, ମୋଦି ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି 3.0ରେ ତାଙ୍କର ଶାସନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଗଠନ ହୋଇଛି ପ୍ରଥମ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକ ବସିଛି। ମୋଦିଙ୍କର ପ୍ରଥମ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଜି ନିଆଯାଇପାରେ। ପିଏମ୍ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଅତିରିକ୍ତ 3 କୋଟି ଘର ଦିଆଯିବ, ଇଏ ହୁଏତ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଗ୍ରାମୀଣ ସହରୀ ଘର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ସବୁ ଘରେ ଶୌଚାଳୟ, ପିଇବା ପାଣି ଯୋଗାଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଏବଂ ମୋଦି ଯେଉଁ ନାରା ଦେଇ ଆଜି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ବିଶେଷ ଭାବରେ ବିକଶିତ ଭାରତ, ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରାଯିବ।